कोरोना महामारी एक वैश्विक समस्या है, लेकिन हिंदुस्तान में भी वो ऐसे ताकत के साथ पांव पसार रही है जिससे राज्य की सरकारें और केंद्र की सरकार निरंतर उसके पार पाने के लिए संघर्ष कर रही है। ऐसी स्थिति में लॉकडाउन एक ऐसा रास्ता जो है केंद्र की सरकार ने अख्तियार किया, राज्य की सरकारों ने उसमें समर्थन दिया और आज उसके कारण लोगों की जान बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए ये बात हम स्पष्टतः मानते हैं कि इसका जो डर है वो इतना ज़्यादा जनता के बीच में फैला दिया गया और इतनी बड़ी महामारी, इतना बड़ा डर, आम आदमी इससे कैसे निपटे इसके बारे में कम बताया गया, डर के बारे में अधिक बताया गया, जिसके कारण ये कोरोना महामारी आज एक आम आदमी की समस्या बन गई है, एक सरकार की समस्या बन गई है, केंद्र की सरकार की समस्या बन गई है और एक वैश्विक समस्या बन गई है। लेकिन प्रधानमंत्री जी द्वारा बार बार ये कहना कि इस कोरोना महामारी को हम एक अवसर के रूप में उपयोग करेंगे, ये जो हम सब लोगों को एक ऐसी प्रेरणा देता है जिससे हम ये महसूस करेंगे कि आखिर हम इसे अवसर के रूप में किस प्रकार से उपयोग करें और कैसे हम अपनी अर्थव्यवस्था को, कैसे अपने रोजगार को, कैसे अपने कारोबार को, कैसी पुरानी व्यवस्थाओं को हम प्राप्त कर सकें। मुझे लगता है कि कोरोना महामारी से अब हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि हमें छोटे छोटे सेक्टर्स में काम करना होगा जिससे हम अपनी अर्थव्यवस्था को वापस जिंदा कर सकते हैं। इससे निपटने के लिए जो केंद्र की सरकार की गाइडलाइन है, राज्य की सरकारों के प्रयास हैं, पुलिस प्रशासन और अस्पतालों की व्यवस्थाएं हैं, उनके जो गाइडलाइंस हैं हमें उनका पालन करना चाहिए और उसमें जो एक नारा है कि 2 गज की दूरी और मास्क, ये सबसे महत्वपूर्ण है। यदि हम सोशल डिस्टेंसिंग और शारीरिक दूरी बना करके यदि हम चलते हैं तो कोरोना जैसी महामारी पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। आवश्यकता के अनुसार हम बाहर जाएं, बाहर जाकर के अपने काम करें, काम करते समय भी हमें जो गाइडलाइंस हैं उनका पूरा ध्यान रखना अनिवार्य है जिससे हम इस प्रकार की समस्या से निजात पा सकते हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण पक्ष इस बीमारी का है वो ये है कि हम उन लोगों को देखें जो इससे ठीक होकर के आए हैं, वो जो हमें बता रहे हैं उन बातों का जो है पालन अधिक करें, इससे हम इस महामारी को जो है पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, इस महामारी से हिंदुस्तान को बचा सकते हैं, मध्य प्रदेश को बचा सकते हैं। जहाँ तक मध्य प्रदेश का प्रश्न है, हम इस बीमारी को से निपटने के लिए कारगर प्रयास कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जब सरकार बनी है, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, तब से इस महामारी को रोकने के और तेजी से सार्थक प्रयास हुए हैं। इंदौर और भोपाल 2 ऐसे स्थान हैं, अब उज्जैन में भी इसने महामारी ने थोड़ा सा पांव फैलाया है और खरगोन और जो कुछ आदिवासी अंचल हैं उन क्षेत्रों में भी ये महामारी गई है, लेकिन बड़ा मध्य प्रदेश का बड़ा क्षेत्र जो है वो कम से कम प्रभाव का क्षेत्र है। और जिस प्रकार के प्रशासन के प्रयास हैं, डॉक्टरों के प्रयास हैं, मुझे लगता है हम जल्दी ही इस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। यदि हम राजधानी भोपाल की बात करें तो राजधानी भोपाल के अंदर केवल 4 या 5 सेक्टर ऐसे हैं जहां ये थोड़ा सा रूप दिखा रही है, बाकी क्षेत्रों में कवर जो है इस महामारी ने को कवर करने या इसके ऊपर जीत प्राप्त करने की बात की गई है। मैं इसलिए भी ये बात कह रहा हूँ कि मैं एक ऐसा पत्रकार हूँ जिसने कोरोना महामारी को परिवार के अंदर नज़दीक से देखा है। मेरा बेटा महामारी से पीड़ित हुआ था, लेकिन उसकी एकाग्रता, उसकी समझ, उसकी आत्मविश्वास के कारण वो विजयी होकर जो है वापस आया है। और उसने जो सबसे बड़ा काम किया वो ये किया कि जब उसे ये एहसास हुआ कि वो कोरोना संक्रमित हो रहा है या ऐसे व्यक्ति से मिल लिया है, तभी से उसने अपने आप को आइसोलेट कर लिया और पूरे परिवार को सेफ रखा। और उसका जो है एक मंत्र मुझे समझ में आया वो ये कि हम वस्तुओं को सैनिटाइज करने की बजाय खुद को सैनिटाइज करके वस्तुओं को छुए, जिससे इस महामारी का असर होता ही नहीं है। और आज हमारा परिवार पूर्णतया नेगेटिव रहा और हम सेफ रहे, ये जो है सबसे महत्वपूर्ण इस बीमारी को रोकने का या प्रसार को कैसे रोका जा सकता है इसका बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है। मुझे इस बात को बताते हुए खुशी है कि मेरे बेटे ने फिर से नौकरी ज्वाइन की है बंसल चैनल में और जो है उसने ये सिद्ध कर दिया कि इस बीमारी से हम जो है पार पा सकते हैं, निजात पा सकते हैं।
मध्य प्रदेश की सरकार ने जिस तरीके से सैंपलिंग की है, मध्य प्रदेश की सरकार ने जिस तरीके से है जो लॉकडाउन को जो है सख्ती से लागू कराया है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है, लेकिन आम आदमी को भोजन भी मिले, उसकी व्यवस्थाएं किस प्रकार हो, गरीब की व्यवस्थाएं किस प्रकार हो, इसके प्रति भी जो प्रयास किए हैं निश्चित रूप से उसकी सराहना की जाना चाहिए। और आम जनता को सरकार के साथ मिलकर के, क्योंकि सरकार अकेली सब कुछ नहीं कर सकती, यदि सरकार ही अकेला सब कुछ कर लेती तो सोशल क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की भूमिका भी इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है। और मैं ये महसूस करता हूँ, मेरे अनेकों मित्र हैं, अनेकों सामाजिक संस्थाएं हैं जिनके समाचार हम सब लोग प्रकाशित करते रहे हैं, वो भी आम जनता के बीच में जाकर के, जिनके पास आज भोजन का संकट है, गरीब बस्तियाँ हैं, बाहर से लोग जो आकर के रह रहे हैं, जिनका ट्यूशन के लिए, शिक्षा के लिए और इनके लिए जो लोग आए हुए थे, उनकी व्यवस्थाएं जिस प्रकार से की जा रही हैं, मुझे लगता है हमारा जो समाज है वो आज भी भामाशाह का परिवार है, और जिस तरीके से लोगों की मदद की जा रही है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। और इस सराहनीय व्यवस्थाओं में मुझे लगता है कि शिवराज सरकार की, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी की और बाकी अन्य लोगों की जो भूमिका है, और डॉक्टरों की भूमिका को तो अनदेखी की ही नहीं जा सकती। बेटे ने जैसा अपने संदेश में कहा था, मैं उसे ही दोहरा रहा हूँ, उसने जुगल किशोर शर्मा ने कहा था कि भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर होता है, और उसने जिस तरीके से उसकी बातों को हम मान करके आगे बढ़ेंगे तो हम जल्दी से जल्दी कवर कर पाएंगे। रायचंदों की राय में जाने की बजाय डॉक्टरों की एडवाइस को माने। अब अगली व्यवस्था जो हमारे सामने आती है वो ये आती है कि हम किस तरीके से अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं को सुधारें, किस तरीके से हमने अपने व्यापार व्यवसाय को आगे बढ़ाएं, किस तरीके से हम अपने रोजगार को फिर से एक सामान्य पटरी पर लेकर के आएं, इस दिशा में हमको काम करना पड़ेगा। मुझे ये लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने जो स्पष्ट शब्दों में एक बात कही थी कि हम ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं की तरफ जाएं, हम क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की तरफ जाएं, हम अपने रोजगार को, अपनी व्यवस्थाओं को व्यवसायिक स्वरूप में किस प्रकार ढालें, यदि इसकी तरफ हमने काम करना प्रारंभ कर दिया, हम अब एक जिले से दूसरे जिले की तरफ जाने की बजाय, एक शहर से दूसरे शहर की तरफ जाने की बजाय, अपने ही शहर में इंटरनल व्यवस्थाओं के अंतर्गत व्यापार करने का प्रयास प्रारंभ करेंगे, गांव की जरूरतों को गांव या गांव के आसपास में पूरा करने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है हम क्षेत्रीय आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे, और वही क्षेत्रीय आत्मनिर्भरता हमको आर्थिक व्यवस्थाओं को फिर से, आज मैं रतन टाटा का स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब व्यापार करने के तौर तरीके बदलना होंगे, अब कारोबार उद्योग के तौर तरीके बदलना होंगे। मुझे लगता है इस महामारी ने हमको व्यापार करने के, कामकाज करने के, और मैं तो यहाँ तक देख रहा हूँ कि समाचार पत्रों के प्रकाशन की व्यवस्था है, टीवी चैनल्स के संचालन की व्यवस्थाएं हैं, इनमें भी एक बड़ा बेसिक परिवर्तन आएगा, और ये बेसिक परिवर्तन हम सब लोगों के लिए एक ऐसी अर्थव्यवस्था का आधार बनेगा। आज हम यदि वैश्विक दृष्टिकोण से इस मामले को देखते हैं तो हमें ये समझ में आएगा कि चीन जो व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है, उसके द्वारा की गई इस कथित दुर्घटना या दुराभाव से किए गए इस प्रयास का लाभ हिंदुस्तान को मिल सकता है। और मुझे लगता है कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारें इस दिशा में लगातार सोच रही होंगी, और ऐसे कोई परिणाम सामने आएंगे कि हम हिंदुस्तान के लोग, भारतवर्ष के लोग एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर करके सामने आ सकते हैं, और इस अवसर को हमें निश्चित रूप से भुनाना चाहिए। आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जो बात प्रारंभ हुई है, तो निश्चित रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था, आज हमें एक बात की चिंता करना चाहिए, वो ये है कि आज खेत खलिहान में उपजी हुई सब्जियां, फल और अन्य जो सामग्रियां हैं वो किस प्रकार से आम जनता के बीच में सीधे जाए। अब व्यापार व्यवसाय और मंडियों की जो आड़त प्रथा थी, मुझे लगता है उसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है। आज छोटे किसान के खेत में उपजी हुई फल सब्जी को लाकर किस प्रकार से हम आम घरों तक पहुंचा सकते हैं, इसकी व्यवस्थाओं की तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है सरकार केवल कोरोना महामारी से कैसे आम आदमी के बीच की चैन टूटे इस पर ज़्यादा केंद्रित है, लेकिन आज गरीब किसान के बीच में, खेत खलिहान के बीच में, अनाज को छोड़ दीजिए, अनाज तो थोड़े दिन बाद भी उपयोग में आने वाली वस्तु है, लेकिन जो फल सब्जी साग सब्जियां जिसको हम कह सकते हैं, वो यदि हम बाजार में ला करके उसका लाभ किसान को दिलाने की स्थिति में रहे तो हमारी अर्थव्यवस्था को गिरावट से रोका जा सकता है, और किसान को जो आर्थिक परेशानी आएगी उससे रोका जा सकता है। आज एक सबसे बड़ा जो चर्चित बिंदु है
वो है मजदूरों का पलायन, मजदूरों का वापसी, घर वापसी का मामला। और ये एक ऐसा विषय है, मुझे लगता है कि अभी तक जो समीक्षा करने वाले हम पत्रकार लोग हैं या जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो इसकी भयावहता को दिखा रहे हैं। उनको खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इसको दिखा रहे हैं, उनको आवासीय व्यवस्था मिल रही है नहीं मिल रही उसको दिखा रहे हैं, उनको परिवहन की व्यवस्थाएं मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं उनको दिखा रहे हैं। और ये एक पक्ष है, इस पक्ष को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन ये समस्या का पक्ष है और एक व्यक्तिगत समस्या का पक्ष है कि हम ऐसी घटनाओं से कितने परेशान हो रहे हैं। भूख है हमारे सामने, आवासहीनता की व्यवस्था है, पैदल चल करके पाँव में छाले हो गए, ये हमारी व्यक्तिगत समस्याएं हैं। लेकिन इस समस्या के साथ आज हमको इस बात की भी चिंतन करना चाहिए कि ये जो राज्यों से दूसरे राज्यों में जा करके काम काज की मदद करा कर जो व्यवस्था करते थे वे लोग अब घरों में वापस आ रहे हैं, और ये कैसी समस्या बनने वाली है उसकी हमें एक आज से ही रूपरेखा बनाना चाहिए। मुझे लगता है कि केंद्र की सरकार, राज्य की सरकारें इस दिशा में काम कर रही होंगी। ये आज किसी भी राज्य में यदि मजदूर, जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार से ज़्यादा मजदूर देश भर में हुआ करते थे, तो क्या बिहार राज्य और उत्तर प्रदेश इन मजदूरों को अपने यहाँ रोजगार देने की स्थिति में है? क्या मध्य प्रदेश अपने यहाँ आए हुए सारे लाखों मजदूरों को रोजगार देने की स्थिति में है? ये हमारे लिए आज सबसे बड़ा विषय होना चाहिए कि क्या इन राज्यों में वापस अपने घर आए हुए मजदूरों को राज्य की सरकार जो है वो रोजगार उपलब्ध करा पाएगी या नहीं करा पाएगी। मुझे लगता है कि ये इस समस्या को राजनीतिक पक्ष को देखने की बजाय, इसके में राजनीतिक लाभ हानि देखने की बजाय, या समाचार पत्रों में हम इसका पॉलिटिकल एंगल देने की बजाय एक मानवीय एंगल देने की कोशिश करें और हम इस समस्या से कैसे निपट सकते हैं इसके सुझाव हम उपलब्ध कराएं। मुझे लगता है कि छोटे छोटे काम, छोटी छोटी व्यवस्थाएं, खेत खलिहान के काम और इन सारी व्यवस्थाओं को फिर से लागू करेंगे तो मुझे लगता है कि हम इन मजदूरों के जो राज्यों से पलायन होता है उसकी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं और राज्य में इनकी वापसी के बाद उपजने वाली समस्या को भी हम निराकरित कर सकते हैं। मुझे लगता है इस दिशा में एक ऐसी ठोस व्यवस्थाएं बनाना चाहिए। एक बात जरूर मैं और कहना चाहूँगा और वो ये है कि सारे देश की समस्याओं का समाधान वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके जो अधिकारी निपटा रहे हैं या कर रहे हैं वो संभव नहीं है। आप जो है ग्राउंड जीरो पर जो काम करने वाले लोग हैं, सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं, समाचार पत्रों में काम करने वाले लोग हैं या जो सोशल सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं उनसे भी एक प्रकार की राय मांगी जाना चाहिए और उसके आधार पर जो है निर्णय लेना चाहिए। जहाँ तक लॉकडाउन के आज प्रधानमंत्री जी के अन्य संदेश और अन्य इनकी बात है उसमें ये बात स्पष्ट होती है कि लॉकडाउन के मामले में ढील देते हुए कैसे सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रोजगार व्यवसाय की तरफ जा सकते हैं इसके बारे में हमें चिंता करना चाहिए। और यदि इस चिंता के साथ हमने कोई रास्ता निकाल लिया तो मुझे लगता है जिस प्रकार हिंदुस्तान कोरोना महामारी को रोकने में कामयाब हुआ है या उसके पर नियंत्रण करने में कामयाब हुआ है, इसी प्रकार से हम जो आर्थिक संकट आम आदमी के बीच में गहराता हुआ दिख रहा है इससे निपटने की स्थिति में भी होंगे। मुझे लगता है ये व्यवस्थाएं आज सबसे बड़ी चिंता का विषय है और इसके निदान के प्रति सरकारों को सोचना चाहिए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।